ये प्रोग्राम आईआईसी से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारे इंचार्ज हैं सौरभ सर, ठीक है ना। इसमें एक टॉपिक थे, दैट इज माय स्टोरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इसके रिलेटेड सर डिस्कस करेंगे। सर को ऑलरेडी आप लोग जानते हो, सर कितने इंफॉर्मेटिव हैं, है ना, कितने एंथुसिएस्टिक हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो प्लीज सर आप आइए। Thank you so much. It's great meeting you all and sharing some experiences of life. आज मैं आपके साथ मिल रहा हूँ और समझिए कि बहुत सारे experiences हम लोग share करेंगे। एक time तो आप ही की तरह था, गांव से निकला हुआ एक डरा बालक, जिसको अचानक ऐसे environment में डाल दिया गया जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। ऐसा हम सब लोगों के साथ होता है। एक इनोसेंस की एज होती है जहां हमसे जो कहता है कोई भी बात उसको हम सही मान लेते हैं। धीरे धीरे पता चला जब मैं स्कूल में पहुंचा, मैं बहुत अर्ली एज की बात कर रहा हूं, मैं गांव से आया था और मेरे साथ सारे राजा महाराजाओं के और बहुत रिच लड़के पढ़ते थे। वो इंस्टीट्यूट ऐसी थी दिल्ली कॉलेज इंदौर, जहाँ पर वही लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड थे, जिनके पास सारी फैसिलिटीज थी और सबके सब इंग्लिश जानते थे। मैं गांव से आया था, सेवन क्लास था, गांव के स्कूल में, और आप जानते हैं क्या स्टैंडर्ड हो सकता है अंग्रेजी का और चीज़ों का। हाँ, मेरी कुछ चीज़ों में स्ट्रेंथ थी, और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी सिंपलिसिटी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो थी शायद मैं मैथमेटिक्स में हूँ सबसे अच्छा। आई कुड कैलकुलेट फास्टर देन मोस्ट ऑफ द पीपल, और वहाँ हर महीने टेस्ट होते हैं, बेटर बनना है। और ये कहानी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस मामले में आपके मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट नहीं होंगे। मैं जब थोड़ा जल्दी हो गया, आपको थोड़ा लेट हुआ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें आपसे थोड़ा पहले सीख गया हूँ, आप थोड़ा बाद में सीख, लेकिन आप सबके पास ग्रो करने का बहुत बढ़िया मौका है। पहले मैंने टेस्ट हुआ, हम लोग 24 थे क्लास में, मेरी 20वीं पोजीशन थी, और दूसरे महीने में मैं 16वीं पे आया, तीसरे में मैं 10वीं पे आया, चौथे में